हमने पढ़ना है मेटाबॉलिज्म के बारे में, ऑल थिंग्स गो एट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कोई भी चीज हम खाते हैं अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सारी चीजें हम खुराक के जरिए करते हैं, फूड खाते हैं, अंदर चीजें मौजूद होती हैं। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च कन्वर्ट होते हैं सिंपल शुगर्स में, एंड लिपिड्स होती हैं कन्वर्ट फैटी एसिड्स में। इस प्रोसेस के दौरान कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनने के दौरान जो एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहते हैं एटीपी। एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी मुख्तलिफ प्रोसेस में यूज होती है ठीक है। उसके बाद कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी एक्सक्रीट होते हैं, जैसे कि CO2, फॉस्फोरस एंड सल्फर वगैरह, तो मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए एक्सक्रीशन हो जाती है ठीक है। उसके बाद इसमें आता है NADH एफिडिएशन। NADH एफिडिएशन के एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी मुख्तलिफ प्रोसेस के होते हैं, इनके जरिए वो भी रिलीज होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो प्रोसेस है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनने का, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल बनने का, ये प्रोसेस अगेन होता है, मतलब सिंपल से फिर ये मुख्य प्रोसेस के जरिए दोबारा लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, एनर्जी पर तो चेंज होता रहता है। जैसे हम ये वाला है, इससे फिर दोबारा हमारे बॉडी के बनते हैं, ये यूज होती है फिर हार्मोन्स, हार्मोन्स में बनने में काम आता है, रिसेप्टर्स में, रिसेप्टर्स बनते हैं ए जीवन के इंजाइम्स, और एयर कैरियर्स में भी हमारे इंजाइम्स, एयर एंड एयर इवन के एयर एंड एयर में भी यूज होते हैं, मतलब सिंपल से कंडक्शन इन दिस सारे प्रोसेस को चेंज इन एनर्जी को फूड से चेंज लार्जर से कॉम्प्लेक्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में देखो, सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड चेंज से मेटाबॉलिज्म बनता, उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म इसका नाम रख दिया गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ all biochemical reactions occurring in a cell. जितने भी biochemical reactions हो रहे हैं वो cell के अंदर हो रहे हैं, एक cell के अंदर, तो इसको metabolism कहते हैं। metabolism plus quite the two types में तो उसकी classifications हैं, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चेंज होते हैं सिंपल कुछ स्मॉलर फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन्स चेंज होती है अमीनो एसिड में,
ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है पाइरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है। ऐसे एनाबॉलिज्म बिल्कुल एलिटेट इस कॉल्ड है एनाबॉलिज्म में क्या होता है। ठीक है, सिंपल और सिंपल और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट करते हैं लार्जर और कॉम्प्लेक्स में। इस दौरान एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, एटीपी कंज्यूम्ड होगी, इसको एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी को एनर्जी की जरूरत होती है, ये कैसे होगा, जैसे अमीनो एसिड से हमारे अमीनो एसिड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये बनाता है एटीपी।